मेरे साथ इस वक्त हैं आतिफ वकार, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में यानी कि इस बार के यूपीएससी में 819वां रैंक हासिल की है और फिलहाल ये बिहार के नवादा ज़िले में बीडीओ के पोस्ट पे हैं। सबसे पहले आतिफ वकार साहब, स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। जी, इससे पहले ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी रहा है, शुरू से आप एक बिहार के सुदूर से इलाके से हैं, जी कहाँ से हैं आप, बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं अभी नवादा नहीं, जहानाबाद में पोस्टेड हूँ। अच्छा, अच्छा। और मेरा घर ऐसे जमशेदपुर झारखंड से है। अच्छा। और मैं 67 बीपीएससी में भी क्लियर किया हूँ और माशाल्लाह इस बार अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी भी क्लियर हुआ है। जी, तो यहाँ तक पहुँचने में झारखंड के जिस इलाके से हैं वहाँ का माहौल, फिर जामिया का माहौल, कितना डिफरेंट आपको लगा पढ़ाई को लेकर खासतौर पर? माहौल तो डिफरेंट रहता है, जैसे कि झारखंड में खास करके जमशेदपुर में यूपीएससी का माहौल उतना ज़्यादा नहीं है, तो जिसके लिए मुझे कोचिंग के लिए आरसी आना पड़ा और दिल्ली आना पड़ा। तो यहाँ से फिर मैंने कोचिंग की और प्रेजेंटली मैं आरसी में ही रह रहा हूँ, ताकि यहाँ एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो उसके वजह से एक पढ़ाई में पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ आके पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अब बिहार में बीपीएससी क्वालिफाई की, आप फिलहाल जहानाबाद में बीडीओ के पोस्ट पर हैं, फिर भी आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ तक, मतलब यूपीएससी क्वालिफाई, क्या वजह खास किया था? वजह तो ये है कि पहला हमें शुरू से यूपीएससी क्लियर करने का ही शौक़ था, और बीपीएससी का जब मेरे कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा था तो मैंने फिर स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था, तो जिसके में मुझे बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। तो यूपीएससी तो हमेशा करना ही था और उसका नतीजा था कि मैं कंटिन्यूसली लगा रहा बीपीएससी में, यूपीएससी में, और माशाल्लाह इस बार सिलेक्शन हो गए। कौन सा रैंक अटेम्प्ट था आपका? जी, मेरा 6th अटेम्प्ट था और रैंक 819 है। 19. जी, तो आप जैसे कि वो बना हुआ है कि बिहार, यूपी और झारखंड खासतौर पर यहाँ के बच्चे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी बुनियादी जो वजह है वो क्या हो? ये मल्टीपल फैक्टर्स है इसमें। एक है कि बिहार झारखंड वाले एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, तो जिसके वजह से बच्चे जो रिलायबल और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, तो इस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। और क्योंकि इनको एक मोटिवेशन मिलता है, लोग उनके अगल बगल के लोग जो सिलेक्शन में सेलेक्टेड हुए रहते हैं, तो उनको देख करके वो मोटिवेटेड फील होते हैं और उनको लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में भी सेम था, जब मैं आरसी आया, देखा कि मेरे फ्रेंड सर्कल से लोग क्लियर कर रहे हैं, तो फिर मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन का वो काम किया और मैं फिर नए हौसलों के साथ फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये किया और क्लियर हो गया फिर एग्ज़ाम। जो लोग यूपीएससी तैयारी कर लेते हैं, क्रैक करते हैं, तो लोग की ये जानने की ख्वाहिश होती है कि आखिर मतलब तैयारी कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि आखिर दिन रात तैयारी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, या फिर उसका कुछ खास टाइम टेबल होता है, आपने किस तरह प्रिपरेशन किया कि आज 819वां रैंक हासिल किया? देखिए, सब कैंडिडेट का अलग अलग नेचर होता है, तो दिन रात तो नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा एग्ज़ाम होता है, तो आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तो आपको एग्ज़ाम्स के बीच में रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं तो दिन रात नहीं पढ़ता था, थोड़ा कम ही मतलब रिलेटिवली स्टडी आज रहती थी, लेकिन मैं ये इंश्योर करता था कि चाहे जो भी स्टडी आज रहे तो वो एटलीस्ट एफिशिएंट रहे, ताकि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़ूँ और मेरे जो पढ़ रहा हूँ दिमाग में अच्छे से जाए। तो जनरली यूजुअली 8 से 10-11 घंटे का स्टडी आज मेरा रहता था, और जो बीच बीच में ब्रेक लेना होता है, चाय पीने जाना है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है या वॉलीबॉल कैरम खेलना है, तो वो रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं यूज़ करता था। आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? मेरे माता पिता दोनों टीचर हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। उनका कितना आपको सपोर्ट मिला यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक सर पहुँचने में और सिलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा अगर आप बोलिएगा तो सबसे बड़ा रोल रहा माता पिता का और फैमिली मेंबर्स का। अब्बू हमेशा बोलते थे कि अगर नहीं हो रहा है तो हौसला नहीं हारना है, और जब तक तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो करो, और फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है, और पापा मम्मी हमेशा ये बोलते थे कि हमारा सपोर्ट रहेगा, तुम करते रहो, तुमको बाकी चीज़ों के लिए सोचना नहीं है। आप 6 बार 5 बार जब आप एग्ज़ाम दिए तो आप नहीं हो पाया, 6th बार में हुआ आपका, तो आखिर बीच में कभी पैर लड़खड़ाया होगा, हिम्मत पस्त हुई होगी, आखिर इन सब चीज़ों को कोई एक ऐसा लम्हा भी आया होगा कि हाँ छोड़ते हैं, बीपीएससी में हो चुका है, बिहार में जगह बीडीओ हैं, तो इस तरह का लम्हा आया होगा, वक्त आया होगा आपके पास? डेफिनेटली जब एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होते हैं लोग, सेटबैक लगता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना रहता है कि अगर आप
आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है, आप जान रहे हो कि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंच गया है और आपका कुछ मार्क्स से ही रुक जा रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है कि हाँ आप कर सकते हो आगे, और उसी लेवल पे आपके फ्रेंड सर्कल क्लियर कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव फोर्स रहता है कि कर सकते हो। तो जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था कि प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से, आधे मार्क्स से, एक मार्क्स से छूट जा रहा था, तो मुझे पता था कि प्रीलिम्स एक बार क्लियर करूँगा तो मैं, अगर मेरा मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है तो मैं बाकी स्टेजेस भी क्लियर, मेंस इंटरव्यू भी क्लियर कर लूँगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ओवरऑल ऐसा था कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगले बार के लिए ऐसा प्रिपेयर करना है कि जब प्रीलिम्स क्लियर हो तो तीनों स्टेज एक साथ क्लियर हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मेंस का प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जैसे PYQs होते हैं तो वो सब मैंने पहले ही कर लिया था, ताकि मैं जो प्रॉब्लम मुझे प्रीलिम्स में रुकना पड़ रहा है तो मेंस में वो रुकना ना पड़े, एक बार में क्लियर हो जाए। और वही हुआ और माशाल्लाह इस बार सिलेक्शन हो गया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बिहार में पोस्ट पे हैं, UPSC क्वालिफाई किए हैं, UPSC भी क्वालिफाई कर लिए, तो ख़ासतौर पर जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, ऐसी शिकायत होती है कि मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या फिर अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि बुनियादी वजह जो मुस्लिम समाज के तालीम में पिछड़ापन की वजह क्या हो सकती है और उसका हल क्या है? UPSC या सिविल सर्विसेज का पर्सपेक्टिव में मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है वो है लैक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस की कमी है और रोल मॉडल्स की कमी है मुस्लिम समाज में, खास करके कि हमारे पास काफ़ी कम रोल मॉडल्स हैं जिनको बच्चे मिमिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन जो आपने कहा कि काफ़ी इदारे अभी कुछ सालों में आए हैं जो कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, और उन इदारों के साथ साथ जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो बच्चों को, अपने कम्युनिटी के बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट मोटिवेशन के लिए। मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपके पास बुक्स हैं, मटेरियल सब, कोचिंग मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गाइडेंस की जहाँ तक बात होती है उसमें थोड़ा कमी हो जाती है। और एक और मसला जहाँ आता है कि पेरेंट्स का, गार्जियन का सपोर्ट, जनरली मैं फॉर्चुनेट था, जनरली सब जगह सब घर वाले उतने नहीं होते, तो अगर गार्जियन को भी ये समझाया जाए कि ये एग्ज़ाम काफ़ी डूएबल है और अगर आपका सपोर्ट रहा तो बच्चे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये दो एस्पेक्ट में कि गार्जियन का मोटिवेशन, गाइडेंस, और बच्चों के लिए अगर जो टॉपर्स हैं, जो सेलेक्टेड हैं, वो गाइड करें और ख़ास करके जैसे RCA जैसे इंस्टीट्यूशन हैं वो आगे आकर के काम करें, तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। जामिया के RCA इस कामयाबी में कितना बड़ा कलीदी रोल अदा किया आपने? जामिया का तो काफ़ी अहम रोल रहा है क्योंकि मैं 3 साल से यहीं हूँ, और जैसे आपने कहा कि बार बार फेलियर के बाद भी आप कैसे मोटिवेटेड रहे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जामिया का रहा है, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं खास करके मेरे दोस्त लोग हैं जो हमेशा मोटिवेट करते थे, कभी हम मुझे नीचे नहीं, निगेटिव नहीं पर्सपेक्टिव दिखाते थे, वो हमेशा बोलते थे तुम कर सकते हो, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल है, आपके साथ रह रहे हैं, उसी सर्कल में बच्चे सेलेक्ट होते थे, तो आप भी देख रहे हो और वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये टू वे थिंग हो जाता था और काफ़ी इसका पॉजिटिव रोल रहा है। आगे का मतलब आगे क्या प्लान है? तो BPSC हो चुका है तो और फिर दोबारा अच्छे रैंक लाने के लिए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ UPSC जो क्वालिफाई करते हैं, अगर उनका अच्छा रैंक नहीं आता, यानी कि 200 के अंदर या 100 के अंदर, तो वो फिर दोबारा कई बार ट्राई करते हैं, तो क्या फिर से कभी कोशिश करने का मन है? जी, रिज़ल्ट तो अभी कुछ घंटों पहले ही आया है, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा रैंक इम्प्रूव करने का। और जो लॉन्ग टर्म प्लान आप जैसे पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, तो कौम की मदद कर सकूँ, जिस हद तक मदद कर सकूँ, अल्लाह ने सलाहियत दी है और कर सकूँ, तो टारगेट तो यही है कि कौम की मदद करना है लॉन्ग टर्म में। और अभी शॉर्ट टर्म में रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ट्राई करूँगा, ऐसे मैं घर पे अम्मी अबू से भी बात कर लूँगा, अभी जाके बात करना है, तो यही दो अभी प्लान है। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? जी नहीं हुई है अभी। तो भाई बहन मतलब कितने भाई लोग? दो भाई हैं, दो बहन हैं, दो बड़ी बहन है और मैं तीसरे नंबर पर हूँ, एक छोटा भाई है, तो बहन लोग मैरिड हैं। अब छोटा भाई क्या कर रहा है? वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम का ये कर रहे हैं। तो उनको भी अभी UPSC या BPSC में लाना है? अगर उसका शौक रहा तो आ जाएगा, ऐसे फोर्स हमारे घर पे नहीं किया जाता कि आपको यही करना है, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन में है तो उसको पता है कि क्या डायनेमिक्स है। अब मुझे देखा एजुकेशन जो शुरुआती जो तालीम है, इब्तदाई शिक्षा, वो कहाँ से मिली? मेरी 11th 12th जो है, जो प्राइमरी स्कूल से लेकर 11th 12th, तो सब जमशेदपुर में हुई। मतलब हिंदी मीडियम से हुई थी? इंग्लिश मीडियम जी, इंग्लिश मीडियम से हुई थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया BAT सिंधी धनबाद से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। शुक्रिया। ये थे आमिर अतर साहब, जिन्होंने इस बार के UPSC में 819वां रैंक लाकर पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी का परचम बुलंद किया। फिलहाल बिहार के जहानाबाद में ये वीडियो हैं और फिर इन्होंने
यूपीएससी में क्वालिफाई की है, हासिल की है, और इनके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी टीम की तरफ से भी बहुत 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 शुक्रिया आपका।